Hello friends, myself Srinika Lituar. Today we are going to start class 10, third chapter, which are related to the subject chemistry, and the name of chapter is chemical reactions and equation. What is chemical reaction and equation? Chemical reaction के बारे में आपको जानना है तो इस चैप्टर के आने वाले सभी वीडियो और ये वीडियो आपको पूरा कंप्लीट देखना होगा, राइट। इस चैप्टर के बारे में सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपको क्लियर चाहिए, राइट, तो ये वीडियो पूरे एंड तक देखिए और आने वाले इस चैप्टर के सारे वीडियो आपको कंटिन्यू देखना होगा, तभी आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकोगे या 11, 12 उसमें भी ये आपको काम में आएगा। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, लेट्स नो अबाउट योर सेल्फ। द प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस स्टैंडर्ड नॉलेज, दैट इज 9th स्टैंडर्ड एंड 8th स्टैंडर्ड नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू, जस्ट इफ यू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल अप टू इट, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर एक टॉपिक पे आपको वीडियो मिलने वाले है, चैप्टर वाइज चैप्टर और टॉपिक वाइज टॉपिक। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को एंड तक देखो, और जब आपको ये अगर पसंद आता है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। ओके, लेट्स स्टार्ट द थर्ड चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट द वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंसी? जो हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा है, जब पीरियडिक ट्रेंड्स था एलिमेंट्स का, उसमें पीरियडिक ट्रेंड्स में फर्स्ट प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक देखे थे हमने वैलेंसी। तो ये वैलेंसी होता क्या है? वैलेंसी इट इज द कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, दैट इज व्हाट इज कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड राइट विथ अनदर एटम और ईच अदर। ओके, जितनी कैपेसिटी होती है उतना ही, राइट, जितने नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स वो एलिमेंट फॉर्म कर पा रहा है उतनी उसकी क्या होती है? वैलेंसी होती है, राइट। वैलेंसी के हिसाब से वो केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। और इसके अलावा हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था दूसरी जो डेफिनेशन थी, दैट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, राइट, इस जो लास्ट वाली आउटर मोस्ट शेल थी उसमें जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उसे हम वैलेंसी बोलते थे, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट, राइट। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके ऑक्टेट कंप्लीट के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगते हैं उसे क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। ये वैलेंसी कैसे डिटरमाइन की जाती है? इट इज डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, राइट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट शेल, उससे आप वैलेंसी उसकी डिटरमाइन कर सकते हो पर्टिकुलर एलिमेंट की। ओके, नाउ सेकंड टॉपिक इज, हम देख 9th स्टैंडर्ड में देखा है हमने द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। देयर आर नंबर ऑफ स्टेप्स फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, अगर आपको केमिकल रिएक्शन अच्छे से समझना है या केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना है तो आपको ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड कैसे बनाते हैं, कैसे बनता है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, वो पता होनी चाहिए। इसके रिक्वायरमेंट क्या है? क्या रिक्वायरमेंट है इसके? अगर केमिकल रिएक्शन या कोई कंपाउंड दिया है या कुछ एलिमेंट्स है उस रिएक्शन में क्या फॉर्म कर रहा है, ओके, तो क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले सिंबल ऑफ एलिमेंट, राइट, सिंबल ऑफ एलिमेंट,
उसके बाद उसकी वैलेंसी, राइट। हमने 9th स्टैंडर्ड में उसके स्टेप देखे थे। स्टेप क्या था? फर्स्ट सिंबल लिखना, राइट। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं NaCl की, राइट, तो NaCl का फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे? दैट इज फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, ओके। दिस इज सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले क्या लिखना है? सिंबल लिखना है, ओके। सिंबल लिखेंगे, उसके बाद उसकी वैलेंसी, सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, राइट। फर्स्ट स्टेप हो गई, सेकंड स्टेप हो गई वैलेंसी लिखना। फर्स्ट स्टेप में क्या है? सिंबल लिखना था, सेकंड स्टेप में वैलेंसी, थर्ड स्टेप में इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। दिस इज Na और Cl। यह हमने पूरा टॉपिक, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट, ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ओके। और आपको पता भी है फॉर्मेशन कैसे होता है एक पर्टिकुलर कंपाउंड का, ओके, रिलेटेड टू दी देयर वैलेंसी एंड सिंबल्स। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू नो अबाउट दी कंपाउंड्स, अंडरस्टूड। तो ये किसके वजह से होता है? देयर आर टू रेडिकल्स, इफ यू नो द 9th स्टैंडर्ड, राइट। इन रेडिकल्स, विच रेडिकल्स आर देयर? रेडिकल्स फ्रॉम, राइट, दिस इज पॉजिटिव और निगेटिव रेडिकल्स, जिसके वजह से हम क्या डिटरमिनेंट कर सकते थे? वैलेंसी डिटरमिनेंट कर सकते थे। मतलब कोई भी एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, उसका जो रेडिकल का जो साइन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस, और पॉजिटिव मीन्स कैटायंस, निगेटिव मीन्स एनायंस, राइट। जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन है, राइट, उतने उसकी वैलेंसी होती है। जितने नंबर ऑफ निगेटिव होता है, उतना क्या होता है? उसकी वैलेंसी होती है, राइट। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा है। अगर नहीं जानते हो आप, राइट, इस नॉलेज को, आपको पता नहीं है इस नॉलेज के बारे में, तो आप वीडियो देख सकते हो, ओके। व्हाट इज रेडिकल्स, लेट्स सी। ये था 9th स्टैंडर्ड का बेसिक, ओके। आप फॉर्मेशन कर सकते हो, ओके। लेट्स सी द 9th स्टैंडर्ड कंपाउंड केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, ओके। जस्ट कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है? हाउ डज इट कंपाउंड फॉर्म? जैसे हमने अभी निकाला है, कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है? बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन। व्हाट इज केमिकल कॉम्बिनेशन? केमिकल कॉम्बिनेशन के साथ क्या होता है? कंपाउंड इज फॉर्म, जो भी एलिमेंट है सब। और उसके बाद ड्राइविंग फोर्स कौन सा है? दिस इज फर्स्ट केमिकल फॉर्मेशन, उसके बाद ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, राइट। ड्राइविंग फोर्स हेल्प्स टू फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, राइट। इज टू अटेन करने के लिए क्या अटेन करता है? अ कंप्लीट ऑक्टेट। मतलब जो भी कंपाउंड है, राइट, और केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसमें ड्राइविंग फोर्स क्या करता है? केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। और उस एटम की जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है, कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, उसकी ऑक्टेट क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। ये था बेसिक, जो जिसके वजह से एटम अटेंड कर रहे क्या? कंप्लीट ऑक्टेट। एनी एटम ऑफ कंपाउंड जो अटेंड करता है क्या? कंप्लीट ऑक्टेट, मतलब उसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे, तो समझ लो वो क्या है? दिस इज कंप्लीट ऑक्टेट। कंप्लीट ऑक्टेट नाम से ही पता चलता है, ऑक्टेट मतलब 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो ये ऑक्टेट कब अटेंड करता है? एनी जो एटम है कब अटेंड करता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड? एनी एटम
अटेंड द कंप्लीट ऑक्टेट, कैसे गिविंग टेकिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, जो आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अगर देता है एटम, मेटल होगा तो देगा राइट, नॉन मेटल होगा तो लेगा या शेयर करेगा ओके okay? उससे क्या होता है ऑक्टेट कंप्लीट होती है और कंपाउंड इज फॉर्म। ये था बेसिक नॉलेज जो आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो चलो आगे देखते हैं हम केमिकल रिएक्शन के बारे में, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, जो इस चैप्टर की स्टार्टिंग है, दिस इज केमिकल रिएक्शन ओके। ये था अपना प्रीवियस नॉलेज जो हमने 8 और 9 स्टैंडर्ड में कंप्लीट किया है। अगर नहीं भी पता है तो अच्छे से समझ लो, लिख लो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है ओके। तो केमिकल रिएक्शन समझ लेते पहले, ये केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी किसने की, बहुत से साइंटिस्ट थे, कौन किस चीज में कौन से केमिकल रिएक्शन हो रहे, वो मैक्सिमम कब हुआ, 18th and 19th century में राइट। जितने भी नंबर ऑफ साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट उन्होंने क्या किया, फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट किए, फंडामेंटल राइट एक्सपेरिमेंट ऑन केमिकल रिएक्शन। जो डे बाय डे की डेली लाइफ होती है, अगर कोई हाउस में काम कर रहा है तो उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं, फूड कुकिंग कर रहे हैं या मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं या वाटर को बॉईल कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सिचुएशन है आप डेली लाइफ में, आप भी करते हो, स्टूडेंट हो गए भी आप भी करते हो राइट, उसे देखते हो, रियलाइज करते हो, ऑब्जर्व करते हो। तो ये जो होते हैं सब अपने घर पे ही आप देख सकते हो केमिकल चेंजेस क्या हो रहे, देयर आर केमिकल रिएक्शन इज गोइंग टू बी टेक प्लेस। और यही केमिकल रिएक्शंस बड़े बड़े साइंटिस्ट ने क्या किया था, फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट मतलब उनके ऊपर अच्छे से ऑब्जर्वेशन किया, अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किया बाय टेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट्स, जिसके वजह से एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ राइट। अब आगे भी देखेंगे जो रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। तो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस राइट, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन के समय क्या होता है, व्हाट इज हैपन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन राइट, कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंजेस ओके, दिस इज कंपोजिशन ऑफ मैटर, मैटर मतलब एनी थिंग्स राइट, और कंपोजिशन मतलब वो मैटर किस चीज से बना है, उसके कॉन्स्टिट्यूट क्या है, उसका प्रोपोर्शन क्या है, कितने परसेंटेज में वो केमिकल्स उसमें अवेलेबल है, उसे क्या बोलते हैं कंपोजिशन। जैसे कि आप अगर कोई मेडिसिन देखते हो तो मेडिसिन के पीछे कंस्टिट्यूएंट, इंग्रेडिएंट, कंपोजिशन ये सब कुछ लिखा होता है और परसेंटेज भी उसके दिए होते हैं। तो ये क्या है, कंपोजिशन ऑफ मैटर। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ये कंपोजिशन ऑफ मैटर केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, इट्स चेंजेस राइट, चेंज होता है ओके, चेंजेस होता है एंड दैट चेंज इट शुड बी परमानेंट। और ये चेंज जो होता है कैसे होता है, पूर्ण केमिकल रिएक्शन में ये कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है और ये कैसा है, परमानेंट है। अंडरस्टूड, ये बात आपको ध्यान में रखना है, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है उसका कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंज होता है और ये चेंज हमेशा के लिए रहता है, परमानेंट रहता है। आप भी देख सकते हो जैसे कि मिल्क का कन्वर्ट होना कर्ड में राइट, वो परमानेंट हो गया, बाद में उसे रिवर्स नहीं कर सकते राइट। और अगर केमिकल चेंज के अलावा और कौन से चेंज है, फिजिकल चेंज, थर्ड दैट इज ड्यूरिंग फिजिकल चेंज, क्या फिजिकल चेंज में अगर बात करते हैं तो कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंज होता है क्या, नहीं, कंपोजिशन ऑफ मैटर नॉट चेंज, दैट इज कंपोजिशन ऑफ मैटर नॉट चेंज नहीं होता है राइट,
चेंज नहीं होता है। तो फिजिकल चेंज में क्या चेंज होता है? तो फिजिकल चेंज में जो चेंज होता है वो होता है स्टेट ऑफ मैटर, राइट। चेंज व्हाट गोइंग टू बी चेंज, दैट इज स्टेट ऑफ मैटर। और स्टेट ऑफ मैटर आपको पता है क्या होता है? स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर 6-7 स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है आपने, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ये स्टेट ऑफ मैटर जो चेंज हो रहा है वो कैसा है? टेम्पररी है। और हाउ इट इज टेम्पररी? ओके, जो फिजिकल चेंजेस में कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंज नहीं होता, जो चेंज होता है वो क्या है? स्टेट ऑफ मैटर, मतलब सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू और सॉलिड। आपको पता है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन दैट इज कंडेंसेशन, बॉइलिंग, ओके, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, ये सब क्या है? चेंज ऑफ स्टेट, राइट, दैट इज चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ये था फिजिकल चेंज। अगर इसकी आप एग्जांपल देखते हो तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, आपको आइडेंटिफाई करना है, राइट, उस एग्जांपल में कौन सा चेंज हो रहा है, दैट इज केमिकल चेंज हो रहा है या फिजिकल चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। अगर ये आपने नोट नहीं किया है तो अभी से नोट डाउन कर लो, देखते देखते मैं जो जो समझा के दे रहा हूँ समझ लो, और जो आपको समझाए वो आप नोट डाउन में नोट डाउन कर सकते हो फॉर योर फॉर द स्टडीज। तो आगे देखते हैं हम द एग्जांपल्स फॉर द चेंजेस, राइट, कौन से चेंज हो रहे आपको ये बताना है। मैंने अभी केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस के बारे में आपको बताया है, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा, उस एग्जांपल में कौन से चेंज है ये आपको बताना है। फर्स्ट फर्स्ट एग्जांपल एग्जांपल किस केस में चेंज कौन सा हो रहा है, दैट इज फिजिकल और केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस, आइस इनटू वाटर, ऐसे भी बोल सकते हो, राइट, क्या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर कौन सा चेंज है? दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर, ये कौन सा चेंज है, राइट। सिंपल सी बात है, आइस क्या है? इट इज अ सॉलिड, और वाटर क्या है? लिक्विड। ये सॉलिड का लिक्विड में अगर चेंज हो रहा है मतलब ये कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है। अंडरस्टूड? स्टेट ऑफ मैटर, आइस क्या है? सॉलिड है, वाटर क्या है? लिक्विड है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कौन सा है? फिजिकल चेंज। सेकंड देखते हैं, राइट, मिल्क, मिल्क टू कर्ड, राइट, मिल्क का कर्ड में चेंज होना, दैट इज केमिकल, कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, राइट। उसके बाद कुकिंग ऑफ फूड, दैट इज व्हाट इज कुकिंग ऑफ फूड, आप घर में भी खुद ऑब्जर्व कर सकते हो। ये सब जो एग्जांपल्स है घर के लिए हुए है, सब आप घर में देखते हो। कुकिंग ऑफ फूड दैट इज केमिकल चेंज, व्हाट इज केमिकल चेंज, राइट, जिसमें कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। उसके बाद रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स मतलब कोई भी फ्रूट्स हो पकना, जैसे कि पहले फ्रूट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, बाद में पकने के बाद क्या होता है? येलोइश कलर का हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बनाना ले लो या मैंगो ले लो, राइट, पक गया तो क्या होगा? उसका कलर चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, उसकी स्वीटनेस चेंज हो रही है, राइट, टेस्ट चेंज हो रही है, दैट चेंजेस अंडरगोस व्हाट इज आल्सो केमिकल चेंज, राइट। उसके बाद अगर बात करते हैं तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर, राइट, फोर्थ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, देखो इवेपोरेशन ऑफ वाटर मतलब ये लिक्विड टू कैसे बन रहा है? गैस बन रहा है, कौन सा चेंज है ये? फिजिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, दैट इज ये कौन सा है? फिजिकल चेंज। ये थे कुछ सिंपल एग्जांपल जहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, राइट। तो जहाँ पे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं वो किसके वजह से हो रहे बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर गोइंग टेक प्लेस इनसाइड द दैट प्रोसेस, ओके।
उस प्रोसेस में जो केमिकल रिएक्शन चेंज और केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, राइट, उसके वजह से उसकी क्या हो रहा है, कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंज होते जा रहा है। ये था सिंपल से एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है आपको निकालना है, उसके बारे में सोचना है क्या चेंज हो रहा है, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है या स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से आप बता सकते हो क्या फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। समझ में आया? ओके, यू हैव टू लिस्ट आउट द डिफरेंट एग्जांपल्स, राइट। हम देखते हैं केमिकल चेंजेस, ओके, दैट इज चेंज। आप बोल सकते हो चेंज कितने टाइप का हो रहा है यहाँ पे, देर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, दैट इज केमिकल चेंज, केमिकल, और सेकंड क्या है, फिजिकल चेंज, दैट इज फिजिकल, फिजिकल चेंज। ओके, चेंज आर टू टाइप्स, दैट इज केमिकल और फिजिकल चेंज। और केमिकल और फिजिकल चेंज में क्या हो रहा है, राइट। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल चेंज की, जो मैंने पहले आपको बताया फिजिकल चेंज कैसे हो रहा है। तो फिजिकल चेंज में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, राइट, कौन से पैरामीटर, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर ये चेंज हो रहा है, राइट, अगर चेंज हो रहा है तो कौन सा भी सब्सटेंस हो, राइट, उसका क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज, राइट। एनी सब्सटेंस, कौन से भी सब्सटेंस में, ओके, कौन सा चेंज हो रहा है, फिजिकल और केमिकल चेंज, तो फिजिकल चेंज में उस सब्सटेंस का अगर ये दो पैरामीटर टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज हो रहे हैं तो उसका फिजिकल चेंज हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। और ये फिजिकल चेंज क्या होता है, ये रिवर्सिबल भी बोल सकते हो फिजिकल चेंजेस, जैसे कि वाटर का लिक्विड आइस टू वाटर होना, वाटर टू लिक्विड होना, वाटर टू आइस होना, ओके। मतलब सिंपल एग्जांपल है, आप घर में देख सकते हो आइसबर्ग है, राइट, उसको मेल्ट करो तो वाटर हो जाएगा, और उसको फ्रीज करो तो फिर से आइस हो जाएगा। मतलब ये क्या है, इट इज रिवर्सिबल, ओके। और ये परमानेंट है क्या, नहीं, इट इज टेम्पररी, कंपोजिशन ऑफ मैटर रिमेन्स सेम। ये क्या है, सेकंड, थर्ड, ओके, रिवर्सिबल, इट इज हाउ मच, टेम्पररी, उसके बाद कंपोजिशन ऑफ मैटर, दैट इज कंपोजिशन ऑफ मैटर कैसे रहते हैं इसमें, नॉट चेंज, मतलब रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम, कंपोजिशन ऑफ मैटर कैसे रहता है, सेम रहता है वैसे की वैसे ही, ओके। एग्जाम्पल आप देख सकते हो जो हमने पहले देखे उसके फिजिकल चेंजेस ने कौन से एग्जाम्पल्स है, राइट। नाउ लेट्स सी द केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंजेस होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस, राइट। कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, दैट इज चेंज ड्यूरिंग प्रोसेस, जो भी प्रोसेस हो रही है उस प्रोसेस में कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंज हो रहा है। अगर सेकंड रिएक्शन बोले तो या फिर क्या, और केमिकल चेंजेस में केमिकल रिएक्शंस आर गोइंग टू टेक्स प्लेस, दैट इज केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस, केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसलिए उसमें उस सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंज आ रहा है, ओके। सब्सटेंस क्या कर रहा है, उसके बाद थर्ड, जो भी सब्सटेंस है, राइट, दिस सब्सटेंसेस आर अंडरगोज द बॉन्ड ब्रेकिंग, राइट। ये सब्सटेंस क्या हो रहा है, उसके सब्सटेंस के अंदर जो बॉन्ड है, राइट, सब्सटेंस अलग अलग एलिमेंट से बना हुआ है, और वो अलग अलग एलिमेंट्स एक दूसरे से क्या है, एक केमिकल बॉन्ड से अटैच है। तो जो सब्सटेंस, उसमें जो केमिकल चेंज हो रहा है, सबसे पहले क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, राइट, बॉन्ड ब्रेकिंग, ओके। और ये लास्ट में जो बॉन्ड ब्रेक होता है और केमिकल रिएक्शन होती है, उसके बाद न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है, न्यू बॉन्ड एंड न्यू सब्सटेंस,
जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है वो चेंज होता है, नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, राइट, न्यू बॉन्ड्स एंड न्यू सब्सटेंस फॉर्म। फॉर एग्जांपल मिल्क, मिल्क कन्वर्ट होता है कर्ड में, राइट। तो मिल्क की जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड फॉर्म होता है और नया सब्सटेंस भी फॉर्म होता है। ये था केमिकल चेंजेस, राइट। दिस इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन द केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। इसके बाद आपको और चाहिए तो एग्जाम्पल भी नीचे लिख सकते हो, ओके। अगर सिंपली अगर आपको पूछा गया राइट डाउन द डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, तो आप इजीली लिख सकते हो बाय दिस, ओके। ये जैसे आपको याद होना चाहिए। अब केमिकल चेंज कैसे होता है, राइट, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट डाउन, ओके, इन योर नोटबुक। अब जो केमिकल चेंज हो रहा है वो केमिकल चेंज कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, राइट, ये देखते हैं। क्या केमिकल चेंज, दिस इज केमिकल चेंज, ओके। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में सबसे पहले, राइट, अगर मैं बात करता हूं तो पहले किसके अंदर केमिकल चेंज होते हैं, दैट इज रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, और फॉर्म क्या होता है, प्रोडक्ट, ओके। इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। केमिकल चेंज मतलब रिएक्टेंट किसे बोलते हैं, रिएक्टेंट इट इज अ सब्सटेंस। ये क्या है, एक सब्सटेंस है जो टेकिंग प्लेस, राइट, टेकिंग अ पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस। रिएक्टेंट मींस रिएक्टेंट, व्हाट इज इट, इज टेकिंग, इट इज अ सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस में जो सब्सटेंस हिस्सा लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, ओके। समझ में आया, जो केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, ओके। और ये भी प्रोडक्ट क्या है, इट इज आल्सो सब्सटेंस, राइट, सब्सटेंस। आफ्टर द केमिकल रिएक्शन जो रिजल्ट मिलता है, राइट, केमिकल रिएक्शन पूरी होने के बाद जो रिजल्ट मिलता है और रिजल्ट में राइट जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, फॉर्मेशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, राइट, रिजल्ट, दैट इज रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट, बाय फॉर्मिंग अ न्यू बॉन्ड्स, राइट। जो केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है जहां पे न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ये आपको पता होना चाहिए, राइट। अगर इसका अगर एग्जांपल देखते हो, राइट, एग्जांपल हर चीज का आपको एग्जांपल देते आना चाहिए। आप समझ लो आप 10th स्टैंडर्ड में हो, जो भी आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो तो एक्सप्लेनेशन के साथ उसका एग्जांपल होना जरूरी है फॉर योर बेटर मार्क्स और फॉर टू गिव बेटर डेमोन्स्ट्रेशन इन योर आंसर शीट। अंडरस्टूड। एग्जाम्पल अगर बात करते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाय द कंबशन ऑफ कोल इन एयर, दैट इज क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट, कैसे फॉर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाय कंबशन ऑफ कोल इन एयर। This is the example, right? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है ड्यू टू द कंबशन ऑफ कोल। अगर कोल है, देखो कोल, राइट, उसका अगर रिएक्शन हुआ किसके साथ, एयर, राइट, एयर, इसे क्या बोलते हैं, कंबशन, राइट, क्या बोलते हैं, कंबशन। तो क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कार्बन डाई ऑक्साइड। सिंपल सी बात है, कोल के अंदर क्या होता है, योगी वर्ड इक्वेशन, दिस इज वर्ड इक्वेशन। हमने 9th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड में भी देखा है वर्ड इक्वेशन, राइट, जहाँ पे सिर्फ नेम ऑफ द कंपाउंड होता है। और बाद में देखते हैं केमिकल इक्वेशन, दैट इज केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हो, केमिकल इक्वेशन भी बोल सकते हो। कोल में क्या होता है, कार्बन, और एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन। इसका अगर कंबशन हो रहा है, व्हेन कार्बन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। और इन्हें जो क्या कर रहे हैं,
ये दो प्रोडक्ट जो है, ये दो सब्सटेंस कोल एंड एयर, राइट, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे, टेकिंग पार्ट्स, राइट, दिस इज दैट टू पार्ट्स, दैट टू सब्सटेंस वी कॉल्ड एज ए रिएक्टेंट, उसे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। अंडरस्टूड, समझ में आया डेफिनेशन रिएक्टेंट की? जो सब्सटेंस रिएक्शन में हिस्सा ले रहे उन्हें क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो फाइनली आफ्टर द केमिकल रिएक्शन जो रिजल्ट मिल रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ओके, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अंडरस्टूड, अब आपको समझ में आया होगा केमिकल चेंज में जो रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। अंडरस्टूड, नोट इट डाउन और अच्छे से समझ लो। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द केमिकल रिएक्शंस। व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस? केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, उसे कैसे लिखा जाता है? ऑलरेडी मैंने एक एग्जांपल दिया है, राइट, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय कंबशन ऑफ कोल इन एयर। तो ऐसे ही बहुत सारे रिएक्शन है जो डेली लाइफ में भी होते हैं, राइट। आप देख सकते हो डेली लाइफ में कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। लेट्स सी द केमिकल रिएक्शन। फ्रॉम दिस यू आर गोइंग टू स्टार्ट द बेसिक और मेन टॉपिक, राइट, ऑफ दिस चैप्टर, द केमिकल रिएक्शंस। व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक? इज केमिकल केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ओके, इसका अगर एग्जांपल लिखा जाए तो आपको समझ में आया होगा केमिकल रिएक्शन क्या होता है। दो सब्सटेंस होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ रिएक्शन फॉर्म करते हैं, और रिएक्शन फॉर्म होने के बाद वो कुछ प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट देते हैं, राइट, उसे क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। उस केमिकल रिएक्शन में कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंज होता है और ये चेंज परमानेंटली रहता है, राइट, जो अभी तक पढ़ा हो वही है। तो अगर इसका हम केमिकल रिएक्शन का अगर एग्जाम्पल देखते हो आप, राइट, तो फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं तुम्हारे स्टेट बोर्ड का जो पैटर्न है उसमें एक एक्टिविटीज दी है, देर आर नंबर ऑफ एक्टिविटीज यू हैव टू परफॉर्म इन योर लेबोरेटरी, केमिस्ट्री लेबोरेटरी, राइट। आप केमिस्ट्री लेबोरेटरी में भी एक प्रैक्टिकल कर सकते हो या घर में भी कुछ एक्टिविटी कर सकते हो, क्या केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शंस कैसे हो रही है। अंडरस्टूड, तो सबसे पहले आपको केमिकल इक्वेशन लिखना है तो उसके फॉर्मूले पता होने चाहिए, ओके, और तो फॉर्मूला बनाते आना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं केमिकल रिएक्शंस में एग्जांपल्स, अगर एक्टिविटी की बात की जाए तो जो कलरलेस, दैट इज एग्जांपल क्या लेंगे हम, राइट ऑफ द स्टेटमेंट, कलर, दैट इज कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ जिंक जिंक सल्फेट। व्हाट इज कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट? जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? जिंक SO4 इज फॉर्म, राइट। अब ये कैसे फॉर्म हो रहा है, ये जिंक सल्फेट जो कलरलेस है ये कैसे फॉर्म हो रहा है, राइट, बाय द एडिशन ऑफ जिंक डस्ट। कैसे फॉर्म हो रहा है ये? बाय एडिशन एडिशन ऑफ जिंक जिंक डस्ट, राइट। जिंक डस्ट किसमें ऐड करने से होता है, राइट, टू द ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, राइट। इसमें ऐड करना है जिंक डस्ट, ये जिंक डस्ट ऐड करना है ब्लू सॉल्यूशन, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है ब्लू सॉल्यूशन, ओके, ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4, ओके। ये है एग्जांपल फॉर द केमिकल रिएक्शन। इसका प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है? कलरलेस कंपाउंड। देखो वर्ड इक्वेशन अगर बात करते हैं वर्ड इक्वेशन की, तो सबसे पहले किसमें हम ऐड कर रहे हैं, एडिंग, राइट, जिंक डस्ट किसमें, ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कार्बन कॉपर सल्फेट, दैट इज ये कौन सा है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। वर्ड वर्ड इक्वेशन बोला तो पूरा वर्ड में ही लिखना है, ओके, कॉपर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस उसके अंदर क्या ऐड करें, जिंक डस्ट, दैट इज जिंक डस्ट, और हमें क्या मिल रहा है, कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये सॉल्यूशन कैसे है, सॉल्यूशन ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, राइट, इसके अंदर जब जिंक डस्ट हमने डाला तो हमें क्या मिला, सॉल्यूशन
solution of zinc sulfate. What is zinc? Okay, zinc sulfate. Zinc sulfate. Right? और ये सल्फेट कलर का कैसा है? कलरलेस है. राइट? ये जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है वो कैसा है? कलरलेस. ये थी वर्ड इक्वेशन. अगर इसे केमिकल फार्मूला में लिखा जाए, केमिकल केमिकल फार्मूला, ओके, केमिकल फार्मूला में लिखा जाए तो कॉपर सल्फेट क्या होता है? CuSO4. कॉपर Cu सल्फेट SO4. तो अगर आपको वैलेंसी अच्छे से पता है, कॉपर की 2 होती है, 2 पॉजिटिव, SO4 की 2 नेगेटिव. राइट? जो 9th स्टैंडर्ड में है. उसके बाद जिंक डस्ट, जिंक. राइट? दिस इज अ केमिकल रिएक्शन. ये जो कॉपर, कॉपर रिप्लेस करेगा किसको? जिंक को. तो ये क्या फॉर्म होगा? जिंक सल्फेट. राइट? और इधर क्या निकलेगा? कॉपर. अंडरस्टूड? ये क्या है? जिंक. दिस इज ब्लू. राइट? और ये क्या है? कलरलेस. ओके, दिस इज द केमिकल रिएक्शंस. अंडरस्टूड? ये है केमिकल रिएक्शंस. इसके अंदर प्रोडक्ट कौन, रिएक्टेंट कौन से? ये जो दो है, दैट इज कॉपर सल्फेट एंड जिंक, ये क्या है? रिएक्टेंट है. राइट? रिएक्टेंट. और प्रोडक्ट कौन से? जिंक सल्फेट जो कलरलेस है एंड कॉपर, ये क्या है? प्रोडक्ट. ओके, दिस इज द प्रोडक्ट. राइट? तो इस हमेशा ध्यान रखना, ये रिएक्टेंट जो होता है ये कैसे है? मैंने पहले बोला जिंक 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव. तो ये कौन से रिएक्टेंट? दिस इज आयनिक, आयनिक कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड है ये, आयनिक कंपाउंड होते हैं. और आयनिक कंपाउंड में क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड रिएक्टेंट में. राइट? जो भी होते हैं आयनिक कंपाउंड, उसमें क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड. राइट? ये प्रोसेस होती है. राइट? जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो न्यू फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज गोइंग टू बी स्टार्ट. मतलब जो भी आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है, राइट, दैट इज आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड न्यू वाला. राइट? क्या होता है? फॉर्म होता है, फॉर्म होता है विथ न्यू बॉन्ड, विथ न्यू केमिकल बॉन्ड. ओके, न्यू केमिकल बॉन्ड. अंडरस्टूड? ये था बेसिक नॉलेज अबाउट द केमिकल रिएक्शंस. ऐसे ये पहला एग्जांपल है, उसके पहले हमने फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का भी एग्जांपल लिया था. ये दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. ये कब होगा? जब आप लेबोरेटरीज में वेरे अलग अलग तरीके से आप एग्जांपल लोगे या केमिकल रिएक्शंस करोगे, तब आपको पता चलेगा कौन सा कलर किसमें कन्वर्ट हो रहा है. राइट? कौन से रिएक्टेंट से कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, उसके लिए आपका ऑब्जर्वेशन होना जरूरी है, उसके लिए उतनी पढ़ाई होना जरूरी है. और आपको लिखते भी आना चाहिए वर्ड इक्वेशन और केमिकल फार्मूला, और केमिकल फार्मूला आपको सब पता होनी चाहिए. राइट? अगर आपको नहीं पता है फिर तो आप अभी से ही 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस देख लो, उसमें केमिकल फार्मूला कैसे फॉर्म बनाया जाता है जो मैंने पहले ही पढ़ाया है आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में. राइट? तो ये था आपका आज का टॉपिक. अंडरस्टूड? अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से देख लो. ओके, अगर फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बोल सकते हो. इस वीडियो के बारे में आप मुझे फीडबैक दे सकते हो. आने वाले और इस टॉपिक या इस चैप्टर के ऊपर और बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, इसलिए हर वीडियो की नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो. अगर कोई फ्रेंड्स आपका 10th स्टैंडर्ड में है उसको शेयर करो और उसको ही बोलो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आगे हर तरीके के वीडियो आपको मिलेंगे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में आपको उसका फायदा मिलेगा. अंडरस्टूड? तो लेट्स सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स. ओके, दैट्स इट.